ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਈਆ ਕਤਲ ਕਰੇ ਜਾਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਈਆ ਆਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਧੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੋੜੇ ਪਾਈਏ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਧੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਸਜਣ ਨੇ ਸਦ ਮਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ जिस तरह ओरिजिनली सब गाते हैं उस तरह नहीं गाते क्योंकि बीट और ग्रूव एक ऐसी चीज होती है जो दैट मेक्स यू फील लाइक यू नो मूविंग एंड डांसिंग सो इसकी बीट डेफिनेटली आपको थोड़ा मूव कराएगी जितने भी ये बॉयज हैं आप कपल डांस कर सकते हैं अगर करना चाहें ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ
गाने हादसा के तौर पर खत्म हो जाते हैं जिंदगी में। मुझे बीट करते हैं या मेरे हाथ, अब मेरी जुबान और आपके हाथ, ठीक है जी, देखते हैं कौन पीछे रहता है। मुल्तान और फैसलाबाद का मुकाबला है, यू वन लेकिन ग्रेजुअली, और ये फैसला मेरा बैंड करेगा कौन विनर है। वसीम भाई आप करेंगे क्लासेस के साथ, वन टू, वन टू थ्री फोर। कौन पीछे कौन आगे, कम करे 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 कम करे
कार्ड द सॉन्ग हम सबकी जिंदगी के साथ ये शायरी जुड़ी हुई है। हमें जब रियाज कराया जाता है, हम जो म्यूजिक सीखते हैं बचपन में, तो हमारी जो सांस है ना, वो आप लोगों की कंपैरेटिवली बड़ी ज्यादा पक्की हो जाती है और लंबी थोड़ी देर तक चल सकती है। वो अलग बात है कि जब सांस रुकनी है, वो फरिश्ते ने आना है तो तब तो भी रोक नहीं सकता। ओके जी, अच्छा लगे तालियां चाहूंगा। सरे ने सदारे रे मारे रे रे मदानी रे मारे रे सरे, ये जो हल्का हल्का जो हल्का
हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरी आहने
बताएं, ये सवाल मेरा स्पेशली बॉयज से है, जितने भी लड़के यहाँ पे हैं और जितने भी मर्द हजरात हैं, जरा आवाज सिर्फ बॉयज की आवाज आए मुझे एक सेकंड के लिए, आवाज आनी चाहिए सबकी, बॉयज। अच्छा एक बात बताएं, मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ पूरी दुनिया में। जी जी जी, देख लिया आपको, अल्लाह को सबर दे भाई। ओके जी, मैंने सुना है कि इस दुनिया में जितने भी हुस्न वाले हैं ना, जो खूबसूरत लोग हैं, उनमें से 95% धोखेबाज है। ऐसा है? सही है। अच्छा अब आप चुप रहे ख्वातीन, बच्चे जो बच्चियां हैं वो आवाज दे जरा, आप अग्री करते हैं मेरे साथ? धोखेबाज है? अच्छा, किसी को धोखा हुआ है बॉयज आप में से? लड़को, सबसे ज्यादा जिसका दिल टूटा है ना, वो अच्छा आजकल के हुसन का भरोसा भी कोई नहीं यार, लड़कियां कितना कितना मेकअप करती हैं, दो दो किलो, और रहती कसर जो है ना वो इन एप्लीकेशन ने निकाल दी है, B612 स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन सी, मेरे जैसे लड़के भी प्यारे बना देती हैं ये एप्लीकेशन। बड़ी प्यारी किसी ने बात की कि किसी की शक्ल इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी आईडी कार्ड पे होती है, और इतनी प्यारी भी नहीं होती जितनी फेसबुक डीपी पे होती है। आजकल इतनी दोस्तियां होती हैं वो फेसबुक पे डीपी पे, देखा जब मिलते हैं तो चक्कर चौथ हो जाता है। शादी की रस्में आपने सुनी होगी, आजकल मैंने सुना शादियां भी टूट रही हैं, शादी होगी दुल्हन ने मुंह धोया और शादी टूट गई, फिर रस्में हैं जी, मुंह दिखाई, दूध पिलाई, जूता छुपाई, और कौन कौन सी गोद भराई, इसीलिए इस तरह एक दुल्हन की रस्म होनी चाहिए, मुंह धुलाई। इसमें मेरे प्यारे भाई बच जाएंगे सारे। खैर, एक इसी तरह दुखी आशिक इस महफिल में कोई एक लड़का तो होगा, इधर तो मुझे लगा है उसकी सेहत ही लग रही है, बड़े धोखे हैं। पंजाबी समझते हैं सारे? एक दुखी आशिक, उसने उसके बड़े दिल टूटे हुए थे, बहुत बार दिल टूटा, उसने अल्लाह से गिला किया, और आपने देखना है कि एक आशिक का गिला है और आशिक मर्द है, और मर्द की फितरत आपको आखिरी लाइन में पता चलेगी। रब्बा सोने चमड़े बंद कर दे, रब्बा सोने चमड़े बंद कर दे, इस जग तो हुसन मुका दो, साडा को ज्यादा है खून करेंगे, इस जुल्म को जान छुड़ा, रब्बा सोने जमले बंद कर दे, इस जग तो हुसन मुका दे, साडा को ज्यादा है खून करेंगे, इस जुल्म तो जान छुड़ा दे, ना मारन खूनी तीर नैना दे, इन्हां सोहणियां नूं समझा जा, नहीं ते रब्बा सारे सोने साडे कोजियां दे बस पा दे, कोई खोए हुए औसान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है, कोई दिल में अरमान चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, सोने दा दिल भैया का बड़ा खूबसूरत बैठे है दो गानों का, हमारे बहुत बड़े लेजेंड पाकिस्तान के, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब ये गाने गाऊंगा पता चल जाएगा आपको, तो इसमें आप सब डांस कर सकते हैं मेरे साथ, ढोल होगा,
गिटार होगी और मेरी आवाज होगी, एक फ्यूजन आपके लिए पेश कर रहे हैं। What's on it like a dick of me is a damn no
Ali Mahala, 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 Ali Mahala,
شیر جذبہ قوت پروردگار لا وضع الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی مولا حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے میری اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں اہلی مولا تیرا رجب کی شان کیا نرالی ہے. ابھی چار پانچ دن پہلے یہ تاریخ گزری ہے تیرا رجب, اور یہ تاریخ لکھی ہے کہ حضرت علی تیرا رجب کو ان کا ظہور ہوا خانہ کعبہ کے اندر. ان کی والدہ محترمہ گئیں اللہ کے حکم سے اور معجزے سے دیوار پھٹی اور اندر گئیں, تو یہ معجزہ ہے. تیرا رجب کی شان کیا نرالی ہے خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے کہاں رکھوں میں امامت کی نعمت عظما کو ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے علی مولا اس در سے کائنات کا کوئی علم چھپا نہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, اس دور میں ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا, اس نے یہ دعوے سنے تھے سلونی سلونی کے دعوے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. اس نے سوچا کہ میں اس غرض سے جاؤں, ایک ایسا سوال لے کر آیا جو اس نے سوچا کہ اس کا جواب حضرت علی کے پاس نہیں ہوگا تو میں ان کو ان کے مذہب کو جھٹلا دوں گا. لیکن حضرت علی نے اتنی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا, شاعر نے اس کو ایک ربائی کی شکل میں بیان کیا ہے, غور سے سنیے گا. یا علی سے کسی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے, یا علی سے کسی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے, کلمے میں نبی کے نام کو کیوں پیچھے رکھا ہے, خدا نے خود کو دی ترجیح پھر یہ عشق کیسا ہے, رکھے محبوب کو پیچھے کب یہ عاشق کا شیوا ہے. علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو کہ سمجھا تو نہیں ناداں ابھی تک راز پنہاں کو, خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کا کہ لے لینا ناپاکی میں کوئی نام احمد کا, زبان دھل جائے جب نام اللہ کا نکلے اس کے بعد کلمہ رسول اللہ کا نکلے علی مولا
बोलता। आपका आवाज आ रही है मेरी? बैक पे आ रही है सबको? अपने हाथ दिखाएं जिसको आवाज आ रही है। अच्छा, हाथ उठा रहे, आवाज नहीं आ रही। स्टार्टेड माय करियर और मुल्तान में हमेशा मुल्तान की बेस्ट चीज है कि यहाँ पे कभी भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्राउड है, बड़ा एनर्जेटिक होता है हमेशा, और आज आप पे और हम में थोड़ा फासला बहुत ज्यादा है जिससे जिससे कनेक्शन नहीं हो पाता। हम कोशिश करेंगे कि आपसे इन फासलों में रिश्ता बनाया जाए। मेरा एक रूल है, मैं अपनी परफॉर्मेंस का आगाज और इख्तिताम सूफी कलाम से करता हूँ, अल्लाह के बाबरकत नाम से। जिस चीज़ का आगाज हो उसमें बड़ी बरकतें होती हैं। एंड इन बिटवीन आई विल बी डूइंग माय सॉन्ग्स, एंड कोई किसी की रिक्वेस्ट भी होगी तो वो भी पूरी की जाएगी। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर to be a part of this beautiful event, Jashne Bahara. और मैं डिस्ट्रिक्ट हमारी उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, वॉल्का को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत इवेंट है जी। Okay.
अदा का असर तो दोनों जहां में है, ऐ राज अपनी जात में मौला शरीक है। मौजूद है इन सब के लिए, मेरे लिए, इन सब के लिए, तहे दिल से आप ही निकलती है इस दुआ के लिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे अल्लाह, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। मुझे आमीन की आवाज आनी चाहिए जितने लोग इस चीज के ख्वाहिश मारे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐताज बेतकदीर मदीना लिख दे। अली इमाम वनस्तो मन गुलाम अली, अली इमाम मनस्त अली इमाम मनस्त मन गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। वो जात कब से है ये थोड़ी गौर से सुनिएगा, ये बड़ा सुकून से सुनने वाला कलाम है। हम महफिल को उठाएंगे भी, मेरा ये स्टाइल है, हम फ्लो के साथ देके चलते हैं, वरना डांस भंगड़ा भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन वो रूल नहीं है किसी परफॉर्मेंस को चलाने का, तो फ्लो के साथ परफॉर्मेंस शुरू किया। हम इंसान हैं, हमारी ये कमजोरी है, हम अपने एक्सप्रेशन जो है वो अल्फाज से या हम इशारे कर सकते हैं या अल्फाज, तो हम उसकी हम दो सना बयान करने के लिए हमें अल्फाज का सहारा देना पड़ता है, लेकिन वो जात तब से है जब लफ्जों का वजूद भी नहीं था। ये कायनात कुन से बनी है, कुन एक लफ्ज है और कुन से भी पहले की वो जात है। सो इस कलाम में बताने की कोशिश की गई है अपनी औकात के मुताबिक उसकी शान। I hope you guys will love this kalam. ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी 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 ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, राहे हक भी किसी पर आया जब न था, राहे हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, 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 था बगर दूरी को हो तो बनो जा कुछ यहाँ था बगर सूरी को।
सिदरा पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन बोले यहां से आगे का रास्ता रसूल जानते रसूल जानते रसूल जानते रसूल जानते रसूल जानते ओ पहुंचे मेरा जमीन अरश पर मुस्तफा पहुंचे मेरा जमीन अरश पर